क्या हो गया? अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? हम कब तक रहेंगे यहाँ? यार देख रहा हूँ मकान मिल जाएगा जल्दी कोई ना। कब तक ढूंढते रहेंगे? क्या हो गया नम्मो, इतनी भी क्या इमरजेंसी है? हो जाएगा इंतजाम, वैसे भी मैंने अब्बा से भी बात नहीं की। तो कब करेंगे बात, जब आपकी माँ और बहन मेरा गला दबा के मुझे मार देंगी? कुछ नहीं कहेगा तुम। मुझे आपकी माँ और बहन पे बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। परेशान नहीं हो, मिल जाएगा घर। सो जा, जाती रहोगी खाना। मेरा भी कोई नहीं है और तुम और मिनाल भी अकेले। तुम दोनों का अचानक से मेरी जिंदगी में आने का कोई तो मतलब है। हम तीनों साथ जिंदगी गुजारेंगे। बोलो करोगे ना मुझसे शादी? अब और अपनी बेटी का सोचो। शीबा ना होती तो क्या तुम इस तरह नौकरी कर सकते थे? नहीं नहीं, मेरा मशवरा है शादी कर लो और अपना घर बसा लो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। भाई यहाँ पे लतीफ़ साहब हैं, उनकी छोटी सी दुकान है, आप बता सकते हैं कहाँ पे मिलेंगे? तीन चार लतीफ़ भाई हैं यहाँ पे। तो आपके पास घर का पता नहीं है? नहीं घर का पता तो नहीं है। हाँ वो चूड़ियों की दुकान है उनकी। लतीफ़ भाई चूड़ियों वाले? हाँ जी। उनकी दुकान यहाँ कोने में है वहाँ, लेकिन वो अभी तो बंद होगी, आप दिन में आके उनसे मिल लें। दिन में? जी दिन में, अभी बंद है दुकान, शाम में बंद करते हैं लतीफ़ भाई दुकान। ठीक है सर। फरीदा साहब के लिए खाना लगा दो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ अपनी बेची के साथ। ओके ओके भाई, तो फिर कौन सी आपकी है और कौन सी? रेड। तुम ना दो चार दिन के लिए अपने मामू के यहाँ चले जाओ, मैं इसी तरह परेशान रहूंगा। मैंने नहीं जाना। निम्मा इस तरह तो तुम उस ख्वाब से निकल ही नहीं पाओगे। तुम्हें हर वक्त लगता रहेगा कि अम्मी और तबस्सुम किसी वक्त भी तुम पे हमला कर देंगे। मुझे अपना दिफा करना आता है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें सुकून में देखना चाहता हूँ।
सुकून तो अब मुझे अलग घर में ही मिलेगा। निमा, मैंने स्टेट एजेंट से बात की है, एक हफ्ते तक वो किसी नए घर का बता देगा। जब से शादी हुई है तुम कहीं गई भी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो चार दिन वहां रहोगी तो फ्रेश हो जाओगी। आपके बगैर नहीं। पागल, मैं आता रहूंगा, चक्कर लगाता रहूंगा, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगा। सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम भी तो अपनी इज्जत नहीं छोड़ो। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। एक यही तो कमी है मुझमें, हमेशा दूसरों के लिए जिया है मैंने।